दोस्तों इन दिनों भारत जबरदस्त फॉर्म में चल रहा है। पूरी दुनिया के अंदर मोदी एक के बाद एक डिफेंस डील और बाकी फैसलों से पूरी दुनिया को हिला करके रखने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं बचा है जिसने भारत की बढ़ती ताकत का लोहा नहीं माना है। खुद पुतिन भी इस वक्त कह रहे हैं कि भारत ने मेक इन इंडिया अभियान को जिस तरीके से आगे बढ़ाया है उसके बाद भारत अब महाशक्ति बनने की ओर है। तो अमेरिका को आप खुद देख चुके हैं कि वो भारत के साथ लगातार आने को बेताब दिख रहा है। लेकिन दोस्तों चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश जो भारत पर बात बात पर विरोध करते हैं उनके भी अब कान ठंडे हो गए हैं ये जानकर कि भारत जहां कहीं भी हाथ मार रहा है वहां सोना ही निकल रहा है। दोस्तों हाल ही में भारत ने अमेरिका से एम का और तेजस मार्क टू के लिए GEF 414 इंजन लेकर अपनी पहली ही धाक जमा ली है और चीन की हवाई दादागिरी की अब भारत ने लंका ही लगा दी है। वहीं दोस्तों अब भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल ने एक छोटे से देश लेकिन सामरिक रूप से बेहद अहम देश के साथ रातों रात और बड़े ही सीक्रेट तरीके से ऐसा सिस्टम सेट कर दिया है जो पश्चिमी देशों से लेकर के खाड़ी देशों तक और पाकिस्तान से लेकर चीन तक के पसीने छुड़ा रहा है। दोस्तों यूं मान लीजिए कि चीन ने पाकिस्तान के जिस ग्वादर बंदरगाह के लिए सी पैक परियोजना में पाकिस्तान को शामिल किया था और हजारों करोड़ रुपए फूंक डाले थे वो सब अब बर्बाद हो चुके हैं क्योंकि इस छोटे से मुस्लिम देश ने भारत को वो दे दिया है जो न केवल चीन और पाकिस्तान के हमलों को बेअसर कर देगा बल्कि खाड़ी देशों तक भी भारत की सीधी पहुंच बना देगा। यहां पर दोस्तों भारतीय नौसेना की ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात होने वाली हैं, साथ ही मरीन राफेल भी यहां पर डिप्लॉय होने वाले हैं। यहां तक कि भारत के युद्धपोत भी हर वक्त यहां पर तैनात रहेंगे, वो भी खूंखार मिसाइलों से लेकर अत्याधुनिक हथियारों के साथ में। जी हां दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है भारत के दोस्त ओमान में, जहां भारत के NSA अजीत डोवल ने सीक्रेट दौरा किया है और सब कुछ सेट करके रख दिया है। दोस्तों वैसे अजीत डोवल विदेशी दौरे पर ही रहते हैं और सभी दौरे सीक्रेट ही होते हैं, लेकिन जो दौरा उन्होंने ओमान का किया है वो सबसे ज्यादा खास है क्योंकि इस दौरे में ओमान ने भारत को एक बड़ा कंट्रोल सौंप दिया है। जी हां दोस्तों अमेरिका या फिर मिस्र नहीं बल्कि ओमान के अंदर भारत ने तगड़ा धमाका कर दिया है। चीन से लेकर के पाकिस्तान तक इस बात से अब हड़कंप मच गया है क्योंकि जो काम अमेरिका नहीं कर पाया भारत ने एक ही झटके के अंदर कर डाला है। दोस्तों भारत के NSA अजीत डोवल पूरे एक दिन के लिए ओमान के दौरे पर रहे। दोस्तों भारत में इसकी चर्चा बहुत कम रही क्योंकि एक तो अजीत डोवल के दुनिया भर के दौरे सीक्रेट ही रहते हैं और दूसरी ये खबर बाहर नहीं आई थी कि ओमान और भारत के बीच क्या डील हुई, लेकिन अब गदर कट चुका है। दोस्तों अब दुनिया को ये पता चल चुका है कि चीन जिस पाकिस्तानी ग्वादर बंदरगाह पर कब्जा कर भारत पर दबाव बनाने के सपने देख रहा था वो अब धराशायी हो गए हैं। भारत के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवल ने अपना प्लान सेट कर दिया है। अरब सागर के किनारे बसे इस मुल्क में अजीत डोवल ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ओमान के हुक्म पोर्ट का दौरा किया है। यही वो पोर्ट है जहां से भारत, चीन, पाकिस्तान को एक साथ तबाह करके रख सकता है। खास बात यह है कि यहां पर भारतीय नौसेना के हथियार पहले से ही डिप्लॉय हैं। जी हां दोस्तों भारत के दोस्त ओमान ने यहां पर भारतीय नौसेना को खुली छूट दे रखी है। दूसरा, आसान शब्दों में अगर इस बात को मैं कहूं तो भारत का सामरिक ठिकाना ही इसे आप समझ सकते हैं। और गुड न्यूज ये है जल्द ही भारत के सबसे विध्वंसक हथियार ओमान के इसी डुक्म पोर्ट पर तैनात होने वाले हैं। ओमान के इस कदम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय सेना की मजबूती काफी बढ़ चुकी है। दोस्तों भारत के इस मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अगर चीन बैठा हुआ है तो भारत ने ईरान के चाबार और ओमान के डुक्म पोर्ट पर पोजीशन लेकर के अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर लिया है। अब अगर चीन, पाकिस्तान भारत पर समुद्र के रास्ते हमला करने की गुस्ताखी भी करेंगे तो उनका भयानक अंजाम होने वाला है। दोस्तों आपको बता दूं कि ओमान के PM और यहां के टॉप लीडर्स के साथ चर्चा के दौरान डोवल डुक्म के स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गए। ये जगह मस्कत से 500 किलोमीटर दूर है। स्पेशल जोन 2000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है।
इस इलाके में अब भारत का बोलबाला है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ओमान भारत से यहां पर निवेश भी करवाना चाहता है और वास्तव में यही भारत चाहता था ताकि भारत की स्थिति वहां पर लगातार मजबूत बनी रहे। दरअसल दोस्तों ओमान डुकम के करीब रास मरकज में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तैयार करना चाहता है और इसके लिए ओमान भारत को लगातार ऑफर दे रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच सहयोग लगातार बढ़ने की संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे में आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ओमान भारत के लिए कितना अहम है और क्या ये देश भारत का पक्का और भरोसेमंद दोस्त है। तो आपको बता दूं कि ओमान भारत के साथ लगातार संबंध बढ़ा रहा है। इसके लिए वो अपना डुकम पोर्ट भी भारत को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है और आपको ये भी बता दूं कि डुकम पोर्ट भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। डुकम पोर्ट की लोकेशन ऐसी है जहां से ओमान की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में भारत अपना प्रभाव तेजी से कायम रख सकता है। दोस्तों डिफेंस एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि डुकम में भारत की मौजूदगी से हिंद महासागर को लेकर के सुरक्षा चिंता कम हो सकती है, जहां चीन लगातार अपनी मजबूती बढ़ा रहा है। इससे भारत की सामुद्रिक क्षमता भी तेजी से बढ़ेगी। ये हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम में है। खास बात यह है कि डुकम पोर्ट के जरिए अदन की खाड़ी और लाल सागर तक भारत की आसान पहुंच हो जाएगी। दोस्तों पश्चिमी एशिया में ओमान भारत का सबसे पुराना रणनीतिक साझेदार और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल OIC, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन में महत्वपूर्ण सहयोगी है। ओमान भारत रक्षा सहयोग वास्तव में सबसे ज्यादा तो भारत के लिए ही फायदेमंद है, क्योंकि गल्फ क्षेत्र में ओमान भारत का सबसे करीबी डिफेंस पार्टनर है। डुकम पोर्ट में ओमान ने भारतीय नौसेना को लॉजिस्टिक फैसिलिटी की पेशकश की है। दोस्तों दोनों देशों के बीच इस मामले में डिफेंस को लेकर के कई MOU भी हस्ताक्षर हुए हैं। ओमान भारत के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास भी करता है और इस तरह से इस क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत हो गई है। खैर दोस्तों इस मामले में आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ग्वादर को काउंटर करने के लिए भारत ने पहले चाबहार पोर्ट पर अपना दाव खेला था, लेकिन अब ओमान खुद थाली में सजा करके अपना पोर्ट सामने रख रहा है। लिहाजा ये भारत के लिए विन विन सिचुएशन है।